और बीजेपी सहारनपुर से करेगी अपने मिशन 2017 का शंखनाद। सेना भर्ती मैदान में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। जनता के सामने अपने दो साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। बीजेपी के आला नेता भी कई जगह पर रैली करेंगे। यूपी उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। जनता को बताएंगे कि इन दो सालों में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। 26 मई को मोदी सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर सहारनपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा। मोदी जी खुद अपनी रिपोर्ट कार्ड देंगे। केशव मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर बैठक भी हुई है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जोरदार तैयारियां हैं। दो साल पूरा हुआ है, कांग्रेस के 60 साल पर भारी है दो साल। और यह विकास पर्व जो वास्तव में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गाँव के लिए मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, वह सहारनपुर में एक तरह से उसकी शुरुआत है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसी तैयारी को लेकर के बैठक हुई थी और हम लोग उस तैयारी में लगे हुए। सर, आपको लगता है सहारनपुर की बात करें, यूपी और उत्तराखंड के करीब पड़ता है, दोनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो एक तरीके से चुनावी मुगल के तौर पर भी देखा जाएगा? अब इसको केवल 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, विकास पर्व के रूप में देखिए, जब चुनाव का वर्ष आएगा तब देखा जाएगा। आजम खान नाराज चल रहे हैं राज्यसभा सीट को लेकर के, अमर सिंह की। देखिए, वो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। बाकी वहाँ नाराजगी और प्रसन्नता का दौर लगातार चलता रहता है, वो चलेगा। कभी नाराज होंगे, कभी प्रसन्न होंगे, उनका निजी विषय है। समाचार प्लस का धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पे केशव जी की मान करें तो फिलहाल जो बैठक हुई है वो सिर्फ रैली को लेकर है, 26 तारीख को लेकर है। इसे चुनाव से ना जोड़ के देखा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय रैली है और मोदी सरकार के दो साल को लेकर है जिस तरीके से तैयारी की गई और लंबे दौर की बैठक भी चली। कैमरामैन फैजल खान के साथ राहुल डबास, दिल्ली समाचार प्लस।